ज्येष्ठ माह के अंतिम पांचवे मंगलवार को पवन पुत्र के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। बजरंगी के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। आकर्षक ढंग से सजाए गए मंदिरों में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की आराधना की। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, श्रोत आदि का पाठ कर संकटों के निवारण के लिए प्रार्थना की और शीश नवाकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। केसरी नंदन के मंदिरों में पहुंचने का क्रम भोर से ही शुरू हो गया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। सीतापुर शहर के जेल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान मंदिर, घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर, सिटी पावर हाउस परिसर के श्री सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर, रोडवेज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, बालाजी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रही। आसमान से बरस रही आग भी श्रद्धालुओं की आस्था डिगा नहीं सकी। केसरी नंदन की अनुकंपा पाने के लिए श्रद्धालुओं ने पांडाल सजाकर राहगीरों को प्रसाद बांटा। प्रमुख चौराहों, मार्गों के अलावा मोहल्ले की गलियों और गांवों तक में प्रसाद बांटने की होड़ लगी रही। राहगीरों को बुलाकर और रोक रोक कर शरबत, हलवा, सब्जी पूड़ी, छोला चावल, बूंदी आदि का प्रसाद बांटा गया। सीतापुर शहर में जगह जगह पंडाल सजाकर राहगीरों को भंडारे का प्रसाद बांटा गया। भंडारे का प्रसाद बांटने में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। आरएमपी रोड पर सुनील राठौर, निश्रा राठौर ने सब्जी पूड़ी का वितरण किया। सिविल लाइन स्थित हनुमान जी मंदिर में कृष्णा, पंकज सिंह, गौरव, सोनू, मोनू, लोकुश ने राहगीरों को शरबत पिलाया। मुस्कान गेस्ट हाउस के पास राम सागर ने शरबत और बहुगुड़ा चौराहे पर पंकज दीक्षित, कुलदीप वैश्य ने शरबत व सब्जी पूड़ी का वितरण किया। चस्का रेस्टोरेंट के पास कृष्णा कपूर सेंटर की तरफ से और सौरभ अग्रवाल व महिंद्रा फर्स्ट च्वाइस की तरफ से आवास विकास रोड पर भंडारा किया गया। सभी ने सब्जी पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। बालाजी मेडिकल स्टोर के पास मनोज कुमार, रानी कोठी कोतवाली के सामने सरोज कुमार शुक्ला एवं मक्खन होटल में राजकिशोर ने प्रसाद वितरण किया। गोपाल मोबाइल शॉप सिविल लाइन रोड पर गोपाल मिश्रा, निशु मिश्रा, बाबू सरदार, महेंद्र मिश्रा, कैंची पुल सब्जी मंडी में सुशील गुप्ता ने भंडारा किया। त्रिवेदी मार्केट शास्त्री नगर में श्री त्रिवेदी राजकिशोर चौरसिया ने राहगीरों को रोक रोक कर प्रसाद वितरण किया। शहर के त्रिकोणनाथ मंदिर पर रामकृष्ण पांडे एवं केशव मिश्रा शाइन डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा प्रेम नगर में भंडारा किया गया। हरदोई चुंगी चौराहे पर सुरेश, अनुज, अंतिम, महेश स्वीट हाउस और बटसगंज में ज्ञानु दीक्षित, वैश्य दीक्षित, पवन मिश्रा, यश दीक्षित, अतुल मिश्रा, मयंक त्रिपाठी ने प्रसाद बांटा। रानी कोठी के पास सुशील गुप्ता, दीपिका सिंह और सदर तहसील में आशीष वैश्य, छैलू, छोटे लाल, इरफान, पुनीत, रितेश ने भंडारा कर पुण्य कमाया। गजानन कॉम्प्लेक्स लालबाग पर साइबर जैगुआर द्वारा शरबत का वितरण किया गया। चंदन वैश्य, कुशाग्र दीक्षित, मोहित सिंह, अनुज कुमार, नेहा पांडे, रश्मि, कशिश वर्मा, शिवानी वैश्य आदि ने राहगीरों को शरबत पिलाया। शहर क्षेत्र की लकड़ी मंडी में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने भंडारा किया। भंडारे में प्रांतीय संयोजक अध्यक्ष दीपक, अंकित अग्रवाल, महामंत्री प्रतीक गोपाल, कोषाध्यक्ष वैश्य बंसल ने सभी को प्रसाद वितरण किया। व्यापारी नेता भगवती गुप्ता व भाजपा नेता शुभम गुप्ता द्वारा निज निवास ऊंचा टीला तरीनपुर में भंडारा कर पूरी सब्जी और शरबत का प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजिन मेहरोत्रा, नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी, नीरज वर्मा, झल्लर, शिवांशु मिश्रा, आकाश मिश्रा मौजूद रहे। नेपालापुर स्थित NND फैमिली स्मार्ट परिवार द्वारा ज्येष्ठ माह के पांचवें मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें छोले चावल का वितरण श्रद्धालुओं द्वारा को किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, विजय प्रकाश सिंह, नैमिष सिंह, नीरज सिंह, धीरज सिंह, मिंकू सिंह, मुकेश सिंह, अंकित सिंह, मोनू सिंह, अनुराग सिंह, अक्षय पांडे, शनि शुक्ला, शुभम त्रिपाठी, शुभम मिश्रा, अर्पित सिंह, गुड्डू सिंह, कुलदीप अवस्थी आदि भक्तगण मौजूद रहे। राजस्व जनक टोडरमल की जन्मस्थली लहरपुर में एक बार फिर सर्वधर्म
सद्भाव की अनूठी मिसाल समाजसेवी हाजी जावेद अहमद ने पेश की। एक दशक से प्रतिवर्ष भंडारा करते चले आ रहे समाजसेवी हाजी जावेद अहमद द्वारा कस्बे के खतरियाना चौराहे पर ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने श्रद्धा के साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर समाजसेवी हाजी जावेद अहमद ने कहा कि हमारे देश की ये विशेषता है कि इसमें संसार के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों और पर्व त्योहारों में सम्मिलित होकर एकता का संदेश देते हैं। पूर्व सभासद उमेश मेहरोत्रा, रमेश मेहरोत्रा, इकराम अली, अनवर विस्वानी, जेड आर रहमानी, एडवोकेट अरुण नाग, जितेंद्र गुप्ता, इखलाक अंसारी, मयंक टंडन, राघवेंद्र मिश्रा, मोबिन काफिर खान, रवि वाजपेयी, लल्लन खान, मोहम्मद अहमद आदि मौजूद रहे। इंदिरा नगर स्थित शिवम जायसवाल मिष्ठान के सामने अंबर सराय पक्का तालाब तहसील लहरपुर के गेट के निकट बालाजी मंदिर केसरीगंज आदि स्थानों पर भी भंडारे में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। रेउसा संवाददाता के अनुसार रेउसा क्षेत्र में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगल पर हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान व जगह जगह भंडारों का आयोजन कर लोगों ने पुण्य कमाया। सालपुर चौनपुरवा में स्थित सिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का अनुष्ठान किया गया। रेउसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर पोरवाल वैश्य संगठन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। विकास खंड कार्यालय पर एडीओ आशुतोष पांडे, एपीओ विकास श्रीवास्तव, यशपाल अनूप वर्मा, रणजीत मौर्य, विक्रम लाल, शरद शुक्ला, हिफाजत अरुण व शुभम श्रीवास्तव आदि ने छोला चावल और हलवा वितरण किया। हेलिया संवाददाता के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एलिया पर बड़े मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ हुई। पाठ के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। सीएससी प्रभारी नंदलाल गुप्ता, डॉक्टर कुमार गौरव, डॉक्टर सुमित शुक्ला, फार्मासिस्ट धीरेन्द्र श्रीवास्तव एवं हर्ष तथा अन्य स्टाफ में आदित्य भारती, श्रवण सिंह, विजय सिंह, डॉक्टर सुमित, अंशुल, पूजा, अनुज्ञा ज्योति, श्रवण दीक्षित उपस्थित रहे। धीरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कन्याओं को दक्षिणा प्रदान की गई। तंबोर संवाददाता के अनुसार ज्येष्ठ माह के पांचवे और अंतिम मंगलवार को क्षेत्र के कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। सूर्यपारा सुल्तानपुर में प्रधान संदीप, तंबोर के इंदिरा नगर देवी मंदिर, ठकुरन टोला, कायस्थन टोला, शिव मंदिर, बालाजी इंटरप्राइजेस तंबोर, हजरतपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता सीनू मिश्रा, सज्जन वर्मा के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मिश्रिक संवाददाता के अनुसार विश्व विख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली मिश्रिक में जय श्री राम के जयकारों के साथ ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर सामुदायिक केंद्र मिश्रिक में सीएससी अधीक्षक आशीष कुमार द्वारा अस्पताल परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर डॉक्टर अनूप मिश्रा, डॉक्टर रवि मौर्य आदि समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। नगर पालिका मिश्रिक नेमिस की अध्यक्ष शरला भार्गव के नेतृत्व में नगर पालिका मिश्रिक द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मिश्रिक गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाल राकेश कुमार सिंह, शहीद कर्मचारी राजेश वेदकांत त्रिवेदी, आशीष कुमार, सभासद अभय चौरसिया, संदीप राजवंशी, इंद्रपाल गौतम, शिवम इंडिया सिंह, शुभम पांडे आदि उपस्थित रहे। उधर स्टेशन रोड पर भी सोनू सागर के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया। नैमी शारे ने संवाददाता के अनुसार हनुमान मंदिरों में बजरंग बली के भक्तों द्वारा सुबह 5 बजे से देर शाम तक दर्शन पूजन कर क्रम चलता रहा। प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह महंत बजरंग दास व पवन दास के द्वारा श्री दक्षिणेश्वर राम भक्त हनुमान का वैदिक रीति से विधि विधान पूर्वक चोला और मनमोहक श्रृंगार किया गया। मंदिर के गर्भगृह को सुगंधित पुष्प व आकर्षक झांकियों द्वारा सजाया गया। महंत बजरंग दास ने बताया कि मान्यता है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन मात्र से अनिष्टकारी ग्रह शांत हो जाते हैं। कालीपीठ स्थित वरदानी हनुमान जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी भास्कर शास्त्री ने प्रसाद वितरण किया। अयोध्या हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया। चक्रतीर्थ पर अमर शिक्षित गौतम पांडे द्वारा कोल्ड ड्रिंक समोसे शरबत वितरण किया गया। वृद्धाश्रम के पास मुकुल सभासद द्वारा कढ़ी चावल वितरण किया गया। माँ ललिता देवी मंदिर समेत कई जगहों पर शरबत वितरण का दौर चलता रहा। रामपुर संवाददाता के अनुसार रामपुर मथुरा में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से डॉक्टर दीपक भदौरिया, डॉक्टर सुशील वर्मा ने पूजन पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद व देवी जागरण समिति प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रामपुर मथुरा में भंडारे का आयोजन किया।
पूरी सब्जी छोला चावल बूंदी आदि प्रसाद का वितरण किया गया। चरण सिंह, मोनू सोनी, गुड्डू शुक्ला, अनिल वर्मा, विनय अवस्थी, अमरदीप अवस्थी, करण मिश्रा, विजय गुप्ता, लकी गुप्ता, गुड्डू तिवारी ने प्रसाद बांटा। कसमंडा संवाददाता के अनुसार कस्बे में कई जगहों पर पंडाल सजा कर श्रद्धालुओं ने प्रसाद बांट कर पुण्य कमाया। थाने के सामने आयोजित भंडारे में MLC सीतापुर पवन सिंह चौहान ने पहुँच कर प्रसाद ग्रहण किया। MLC ने ब्लॉक परिसर में पौधे भी रोपे। आयोजक मेहुल यादव, JP सिंह, अनुराग जायसवाल, नीरज भदौरिया, रवि प्रकाश, अनुज पांडे, अखंड प्रताप सिंह आदि ने प्रसाद वितरण कर पुण्य कमाया। पूर्व मंत्री श्याम लाल रावत ने मास्टर बाग के पास खुर्दागंज स्थित हनुमान मंदिर पर भंडारा किया। भंडारे में तरुण प्रकाश रावत, अमर मिश्रा, धीरज सिंह ने प्रसाद बांटा। सिधौली संवाददाता के अनुसार ब्लॉक कार्यालय परिसर में ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत ने भंडारा किया। सिधौली विधायक मनीष रावत द्वारा आयोजित भंडारे में चेयरमैन प्रतिनिधि गंगाराम राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्राम कैमारा बुधर सिंह में अवस्थी टेंट हाउस के द्वारा बालाजी का भंडारा किया गया। सर्वप्रथम अभिनव दीक्षित एवं अंकित अवस्थी ने सुंदरकांड का पाठ एवं पूजन किया। उसके बाद प्रसाद वितरण की शुरुआत हुई। कन्हैयालाल अवस्थी, आलोक अवस्थी, मोहित शुक्ला, अंकित अवस्थी, अभिनव दीक्षित, आशीष मिश्रा, देव कुमार, राम दुलारे, चंद्रपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, अरुण शुक्ल, कमलाकर प्रसाद मिश्र, शिव भगवान मिश्र एवं अन्य भक्त मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।